दोस्तों आज 16 तारीख है और 2 महीने से ज़्यादा हो गए इस प्लांट को। पिछली बार जब हम इसकी मरम पट्टी की थी ब्लाइटॉक्स लगा के और यहाँ से, तो अब इसको जितना इंतज़ार आपको है उतना इंतज़ार मुझे भी है। ये जुड़ गया है कि नहीं जुड़ा है, ऊपर से पूरा हरा भरा है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तना थोड़ा सा मोटा हो गया है, और जहाँ से हमने इसको काफ़ी कस कर बांधा था वहाँ से ये पतला है। तो अब मौका आ गया है कि इसको खोल दें और देखें कि कितना रिज़ल्ट हमें इसका अच्छा मिला है। ये वीडियो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर अच्छे रिज़ल्ट आते हैं तो आपको भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा कि पौधे को अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है पौधे के साथ तो उसको ना काटें। इस पॉट को भी हटा देते हैं। ये हमने यहाँ पे सपोर्ट दी थी इसको बीज के लिए, और एक सपोर्ट हमने जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो पूरा रियल है और मेरे बगीचे में खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। आशा करता हूँ कि रिज़ल्ट भी अच्छे रहेंगे इसके। इसमें कुछ फ्रूट लगे थे जिसको हमने खा लिया, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 6-7 बचे हुए थे लास्ट में, जो आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। जो कपड़ा बांधा था अब इसको भी खोल देते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय तक अगर इसको और बांधे रखते तो यहाँ से इसका तना वैसा ही रहना था, बिल्कुल पतला सा जितना हमने इसको टाइट किया हुआ है। और जैसा गोंद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसको घाव लगा था, तो इसके ऊपर अब ये पूरी तरह से बाहर रहा है, तो उसको भी हम अब ओपन रखेंगे इस घाव को और इसके ऊपर दोबारा से लेप कर देंगे बाद में। ये देखिए भर रहा है पूरी तरह से, जुड़ गया है। अब हम इस घाव को खुला ही छोड़ेंगे, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि घाव भी ताज़ा है, तो थोड़ी सी सपोर्ट आपने जो है दे देनी है ऊपर से। यहाँ तक टूट गया है लेकिन अब घाव पूरी तरह से ठीक है। इसको मजबूती के लिए यहाँ से तो हम इसको खोल देते हैं ताकि ये घाव अब पूरी तरह से ओपन हो जाए और नेचुरल तरीके से भरना शुरू हो जाए। बीच में इसको सपोर्ट दे देते हैं ऊपर से ताकि हवा जब प्रेशर इस तरफ ऐसे बने तो इस घाव पे प्रेशर ऐसा ना बने और बीच से दोबारा से टूट जाए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा करके इसको टाइट या ढीले अपने हिसाब से करके जाना है। तो फिर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। 2-3 महीने बाद हम इसको भी पूरी तरह से खोल देंगे। 3 पॉइंट सपोर्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर।
वीडियो अच्छी लगे तो उन भाइयों को ज़रूर शेयर करना जो बागवानी से रिलेटेड हैं या जो सीखना चाहते हैं। और अगली बार जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा पौधा, ये जो घाव आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है अलाइनमेंट यहाँ पे दूर तो गया है, लेकिन बाहर से अभी इसकी कवरिंग आनी बाकी है। जैसे बाहर की चमड़ी पौधे की है वैसे ऊपर अगर इसके ऊपर आ जाती है छाल तो उसकी वीडियो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। इसको ब्लाइटॉक्स का पेस्ट बाद में कर दूंगा, अब इसको खुला रहने देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं।